हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूं, तो कहानी सुनिएगा। होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा। किसी नगर में एक राजा रहता था, और राजा की एक बेटी थी। और क्या था कि राजा को चिंता थी कि राजा को यह चिंता सताने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कौन संभालेगा, इसकी देखभाल कौन करेगा। तो एक दिन राजा को ख्याल आया कि मॉर्निंग में प्रातः काल सबसे पहले जो भी दरवाजे पे लड़का आएगा, वो उससे अपनी लड़की बेटी का विवाह कर देंगे और उसको अपना उत्तराधिकारी बना देंगे। तो उस अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर आया, और राजा ने उसे प्रभु की इच्छा समझकर अपना निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर दी, और अपना सारा राजपाट उसे देकर खुद पहाड़ों पर संन्यास के लिए चले गए। तो अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे वित्त व्यवस्था करनी है, ताकि वो बहुत अच्छा राजा साबित हो सके। और तो उसने अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग बना दिए और अलग अलग मंत्रियों को रखा, जैसे कि वित्त मंत्री और सेना की बागडोर, सेनापति को, और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि उन्होंने कितना अच्छा राजा चुना, जो अपनी प्रजा का हमदर्द बन के सदैव खड़ा रहता है। और प्रजा उनसे बहुत खुश थी। और राज्यसभा में समस्त कमरों में हर कोई कहीं भी आ जा सकता था, लेकिन उनमें एक कमरा ऐसा था जिसमें राजा किसी को जाने नहीं देते थे। तो इस कोठरी में राजा 10-15 दिन में एक बार जाते थे, और उसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ तक कि उस कमरे में रानी भी नहीं जाती थी। तो एक दिन सेनापति को इन लोगों को सबको जिज्ञासा हुई, उनके मंत्रियों को, कि इसमें ऐसा क्या है तो कि वो कोई उसमें जा नहीं सकता। तो उन्होंने पहले वित्त मंत्री से कहा कि आप राजा से पूछिए कि इसमें क्या है। तो बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछा कि माफ करिएगा महाराज, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है, क्या है इस कोठरी में? तो राजा ने उन्हें डांट दिया और कुछ नहीं बताया। तो कुछ दिन बाद सबने कहा कि सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात तो राजा को माननी पड़ेगी। तो जब सेनापति राजा के कमरे में चर्चा के लिए गए, तो उन्हें भी कुछ नहीं बताया गया। तो अब सबने कहा कि रानी ही इस बात को पूछ सकती हैं कि ये। तो सब सबके मन में यह विचार आया, तो उन्होंने रानी से कहा कि आप हमारी जिज्ञासा को समाप्त करिए। तो रानी को भी उत्सुकता होने लगी कि उस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज ने मुझे भी यहाँ जाने की अनुमति नहीं दी है। तो फिर क्या था, रानी ने भी जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना ही है। और बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी, तो राजा उन्हें उस कमरे में ले गए। तो और जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, तो रानी ने देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है। वहां एक फटी कमीज और कुछ फटे हुए कपड़े थे। सब ये देखकर हैरान थे। तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत के अपने दिनों को जब याद करने के लिए यहाँ आता हूँ, जब भी मुझे अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ और मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ और मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो मैं यहाँ आ जाता हूँ और आधे घंटे यहाँ बैठा रहता हूँ और अपने शुरुआत के दिनों को याद कर लेता हूँ, और अपने आप को बताता हूँ कि मैं तो यही था, यही मेरी शुरुआत थी। और वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि उन्होंने मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है, तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की
सेवा में लग जाता हूँ। दोस्तों, यह एक राजा की अद्भुत कहानी हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कभी भी आपको ईगो आ जाए और आप अपने को बेस्ट समझने लगो तो कि मेरे जैसा तो कोई भी नहीं है, तो आप अपने शुरुआत के दिनों को याद कर लिया करिए और अपने स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद कर लीजिए। बस यकीन मानिए, आप फिर से विनर होने लगेंगे और अपने को जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसे को कभी भी ऊपर नहीं ले जा पाया। पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे मनुष्यों को भ्रमित कर देता है। जब मनुष्य के पास पैसा आ जाता है तो वह घमंड में इतना चूर हो जाता है कि वह अपने बराबर किसी को समझता नहीं है। तो लेकिन भगवान कब किस पर कृपा करें मालूम नहीं, और कब किसका पैसा चला जाए धन तो कुछ मालूम नहीं है। इसलिए कभी भी अपनी धन दौलत शोहरत का घमंड नहीं करना चाहिए और सदैव खुश रहना चाहिए, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? होप आपको पसंद आई होगी और थैंक यू इसको एंड तक देखने के लिए। और प्लीज अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।